नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आइए नजर डालते हैं झारखंड की एक अहम खबर पर। गोपालपुर कुकुर टोपा गांव में खेत से पानी निकालने के सवाल पर दो पक्षों के बीच हुई विवाद में एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए। घायलों को विभिन्न 3 अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि विवाद में जमकर धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। कुदाल तथा टांगी से हुए हमले में महिला सूची देवी, धनुराम महतो, योगेंद्र महतो, गोविंद कुमार, शत्रुधन महतो, सर्वशेर महतो, लक्ष्मण महतो, रोशन महतो घायल हुए हैं, जो एक ही परिवार के हैं। जख्मी के मुताबिक रात में बारिश हुई थी, जिसके बाद खेत में पानी जमा हो गया था, जिसके बाद खेत का मेट टूटकर पानी दूसरे प्लॉट में चला गया था। इसी को लेकर गाँव के सुशील महतो कहने लगे कि पानी तुम लोगों ने काट दिया है, जिसको लेकर कहा सुनी होने लगी। इसके बाद मारपीट होने लगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है योगेंद्र महतो। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ कि मतलब रात में बारिश हुआ तो एक भेड़ मतलब पहले टूट गया था, तो हम लोग पर आरोप लगा रहा था। तो वो भेड़, वो हम लोग अपना निजी जमीन है, उसमें एक और दूसरा मतलब कसमार प्रखंड का आदमी ने जबरन कब्जा कर लिया है, मतलब और उसने कागजात बना लिया है, और उसी आधार पर वो मतलब आधार पर वो अपना जोत पर करने के लिए मतलब सिखाता है। तो बहुत दिन से वो केस पानी काटने का आरोप लगा, इसी को लेकर मारपीट हुई। हाँ, तो कितने लोग घटना में, कितने लोग घायल हैं? घायल तो हम लोग अभी मतलब फिलहाल 8-10 आदमी मान के। क्या नाम हुआ? धनुराम महतो। क्या हुआ है, कैसे हुआ? हाँ, क्या हुआ है? वो भीड़ जो ये फूट गया ना पानी से, उसी से झगड़ा हुआ। उन लोग मारना चालू कर दिया। हम लोग उधर खेत तरफ घूमने गया था ना, तो उस टाइम उन लोग मारना चालू कर दिया। कितने लोग घायल हैं? हाँ, कितना लोग? कितने लोग घायल हैं? 9 आदमी। 9 आदमी। किस चीज़ से हमला हुआ? हाँ, किस चीज़ से मारा? कुदाली से और टांगी से। टांगा जो होता है ना लकड़ी काटने वाला, उससे। अब कुदाली से। के मारा है? धीरन महतो, देव कुमार महतो, सुशील महतो, प्रक्षित महतो, अखिलेश्वर महतो, कैलाश महतो, प्रयाग महतो, सुशील महतो, महेंद्र महतो। कहाँ घर हुआ आपका? रविंदर महतो, दयाल महतो। कहाँ घर हुआ? कुकुर तपा गोपालपुर। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24।